बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अग्नि 3 मिसाइल की नाकामी के बाद भारत को एक और बड़ा झटका। भारत जिस मिसाइल को अपना सबसे अच्छा मिसाइल करार देता है, उस मिसाइल के पूरे सिस्टम का 90% हिस्सा नाकारा हो चुका है और ये मिसाइल जंग में इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मारूफ अखबार फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा होने के करीब है और अगर इसकी देखभाल अच्छे तरीके से ना की गई तो ये बहुत जल्द नाकारा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 के बाद इस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो काम करने के काबिल ही नहीं रहे। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आकाश मिसाइल के जितने भी स्क्वाड्रन हैं वो वार सिनेरियो में काम करने के काबिल ही नहीं है, यानी अगर अचानक से इन मिसाइल्स को इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो ये मिसाइल्स कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा भारतीय फिजाइया ने ये भी बताया है कि मिसाइल के इंटीग्रेटेड एयर कंप्रेसर और स्टोरेज फैसिलिटी में खराबी है जिसमें वाइब्रेशन, न्यूमेटिक लीकेज और ब्रेकिंग के मिसाइल हैं। ये भी बताया गया है कि हालिया भारतीय फौज की मशक के दौरान मिसाइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और इसको मशकों में बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। इससे पहले भी बैनुल अक्वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 70% जंगी असलहा जंग आलूद हो चुका है और वो जंग में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, मगर अब भारत के यके बाद दीगरे मिसाइल तजर्बात नाकाम होने के साथ साथ पूरे के पूरे मिसाइल सिस्टम नाकारा हो रहे हैं।